नमस्कार साथियों, द आउटिंग से मैं तुलसी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को विदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराना चाहती हूँ। तो आइए, बोरिस जॉनसन पीएम बने रहेंगे, पार्टीगेट कांड पर अपनी ही पार्टी के अविश्वास मत से बचें। 359 में से 212 सांसदों का वोट मिला ब्रिटेन। नेपाल में हादसा, रोहिणी नदी के पुल से गिरी बस, सीतामढ़ी निवासी ससुर दामाद समेत 9 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन जंग अपडेट, यूक्रेन को ब्रिटेन देगा मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम। ब्रिटेन रक्षा मंत्री बोले, मुझे विश्वास है यूक्रेन जीतेगा। फ्रांस में बन रहा है सूरज, भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक जुटे, सफल हुए तो 1 ग्राम परमाणु से 8 टन तेल बराबर ऊर्जा बनेगी। पैगंबर पर बयान में से बवाल, अरब देशों से सुपरमार्केट में इंडियन प्रोडक्ट बैन। मालदीव में हंगामा, मुंबई पुलिस नुपुर को समन भेजेगी। तालिबान भी देने लगा नसीहत, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कहा, भारत सरकार को ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम का अपमान करने से रोके। डोमिनिकल रिपब्लिक देश, कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऑफिस के अंदर हुई हत्या, करीबी दोस्त ने गोली मार के की हत्या। अमेरिका में हैंडगन कल्चर से पिछले कुछ समय से गोलीबारी की घटना में बढ़ोतरी की गई है। पिछले 15 दिन में ऐसे 3 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून की मांग की जा रही है। न्यूयॉर्क ने सबसे पहले मांग की। ग्रीक में समंदर को साफ करने की मुहिम जारी, 23 टन कचरा निकला। दक्षिण अफ्रीका से फरार गुप्ता ब्रदर्स UAE में गिरफ्तार। यूक्रेन के साथ पिछले 104 दिनों से जारी युद्ध के बीच रूस ने 61 अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए। अजब गजब खबर, बच्चे की हत्या के मामले में गायक हुई गिरफ्तार। इमरान खान को कुछ हुआ तो करूंगा आत्मघाती बम हमला, पाकिस्तानी सांसदों ने दी खुली धमकी। लंदन की सड़कों पर 20 साल बाद दिखा सोने का रथ, बिना सवार हुए ही अंदर बैठी दिखी महारानी। धन्यवाद, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द ऑटरिंग के साथ।